और आज का ये सेशन हम स्टार्ट करेंगे। आज के सेशन के लिए डॉक्टर गीता चावड़ा इज प्रेजेंट, हु इज एन एजुकेशनल एक्सपर्ट एंड शी इज गोइंग टू डिलीवर अ टॉक ऑन एजुकेशनल एक्सलेंस थ्रू करियर काउंसलिंग। नीरव भाई को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, आभार देता हूँ, राकेश भाई को भी फॉर ज्वाइनिंग फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। नीरव भाई, ओवर टू यू फॉर कम स्पीच एंड द इनॉगरल स्पीच। सभी साधकों को नमस्कार, जय गुरुदेव। गुरु जी के चरणों में वंदन। आज का जो विषय है एजुकेशन एक्सलेंस थ्रू करियर काउंसलिंग, और उनके हमारे साथ जो एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं वो है डॉक्टर गीता बेन चावड़ा। गीता बेन, आप माय वॉइस इज इकोइंग, व्हाट कैन आई डू? दो सिस्टम पे चालू नहीं ना नीरव भाई, बाय एनी चांस? नहीं, मेरा दो सिस्टम पे चालू नहीं है, क्योंकि जनरली ये दो सिस्टम पे तो ऐसा होता है कभी कभी। हाँ, दो सिस्टम पे चालू नहीं है, एक ही सिस्टम पे है। मोबाइल अगर पास में है तो दूर रख के देखना है, मोबाइल में भी अदर पॉसिबिलिटी। हाँ, हाँ, अभी लेट अस सी। गीता बेन, आप सन 2001 से आप शिक्षण क्षेत्र में है, आपने शिक्षक ज्वाइन किया था और वाकानेर शहर की म्यूनिसिपल गर्ल्स हाई स्कूल जिसमें आप शिक्षिका एज ए शिक्षक ज्वाइन किया था, और आप अभी वहीं पे ही आप आचार्य के रूप में काम कर रही है। डॉक्टर गीता बेन चावड़ा ने अपना अभ्यास जो है वो मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स, सो एमए विथ इकोनॉमिक्स, बीएड, एमएड और वोकेशनल इन एजुकेशन, डिप्लोमा इन एजुकेशन एंड वोकेशनल गाइडेंस, वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन से उन्होंने डिप्लोमा पास किया हुआ है, और आपने अपना पीएचडी वाकानेर तालुकाना धोरण 12 सामान्य प्रवाहना विद्यार्थियोंनी शैक्षणिक सिद्धि पर मार्गदर्शन कार्यक्रमनी असर नो अभ्यास, ये विषय पे आपने संशोधन किया है और आपको सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी ने उस पर पीएचडी की उपाधि दी है। मित्रों, कारकिर्दी एक ऐसी पहेली है के जिसे समझना हम सब के लिए काफी मुश्किल है, सभी के लिए। जब बच्चा माध्यमिक शिक्षा में पढ़ता है, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में पढ़ता है, तो पता नहीं रहता है कि वो क्या करेगा आगे जाके, सभी के लिए ये पहेली है। आई ऑलवेज यूज टू से दैट कि करियर इज अ मैजिक मिक्स ऑफ योर एप्टीट्यूड, योर एटीट्यूड, योर इंटरेस्ट, योर पर्सनैलिटी and your efforts in a specific direction. So it is a magic mix of all the things. तो उसी विषय के लिए, उसी विषय में डॉक्टर गीता जी ने अपना करियर काउंसलिंग के ऊपर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया है। वो एक्सपेरिमेंट ऑलमोस्ट इट वॉज फॉर टू ईयर्स लॉन्ग एक्सपेरिमेंट, और उसी आज हम गीता बहन से वही उनके जो संशोधन है उस पर बात करने जा रहे हैं। विशेष रूप से ये एक ऐसी स्कूल में जो एक्सपेरिमेंट हुआ है कि जहां जो बच्चे आते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी सोशल एंड इकोनॉमिकल कंडीशन कंपैरेटिवली काफी लो है। सो दिस इज अ लैंडमार्क आई वुड से रिसर्च कि जो हम इस तरह के बच्चों पे पर अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं गीता जी को आमंत्रित करता हूँ, डॉक्टर गीता बेन चावड़ा को आमंत्रित करता हूँ कि वो अपनी बात करें। मैं स्क्रीन शेयर यहाँ से करता हूँ, सो दैट इट विल बी अ गाइडिंग फॉर यू आल्सो। थैंक यू नीरव भाई, धन्यवाद, आपने मेरा परिचय दिया।
मैं आज गुरु जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी साधकों को मेरा नमस्कार बोलती हूँ और सभी को रक्षाबंधन की बधाई देती हूँ। आज के पूनम के दिन हम लोग ऐसे विषय में चर्चा करने जा रहे हैं जो हर एक के जीवन में ये पड़ाव आता है कि क्या करें, कैसे आगे बढ़े, कैसे अपना स्टैंड ले समाज में, जीवन में। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय रहा है जिसके बारे में आज मैं आपको एक जो मैंने प्रयोग किया था उसके बारे में बताने जा रही हूँ। शैक्षणिक सिद्धि पर मार्गदर्शन कार्यक्रम की आवश्यकता, ये हमारा आज का टॉपिक है। उसके बारे में मुझे कहाँ से विचार मिले इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी। मार्गदर्शन शिक्षा की समग्र प्रक्रिया में सम्मिलित है जो बच्चे के जन्म से शुरू होती है। हर कोई व्यक्ति के जीवन में उसको किसी की या किसी की आवश्यकता रहती है, इसलिए कहा गया है कि व्यक्ति को मार्गदर्शन की आवश्यकता पारणा से लेकर कब्र तक रहती है। ये हमारा महत्व है मार्गदर्शन का। अब मार्गदर्शन क्या है, उसको इंग्लिश में गाइडेंस कहा जाता है। उसका अर्थ है टू इंडिकेट, टू पॉइंट आउट, टू शो द वे, टू लीड। ये उसका अर्थ होता है इंग्लिश में। अपने देश में छात्रों को शिक्षा के लेकर कई समस्याओं से गुजरना पड़ता है। स्कूल कॉलेज में आजकल जो शिक्षा दी जाती है उसमें छात्रों को बहुत सी मुश्किलों के साथ साथ कई उलझनों को वो लोग महसूस करते हैं, जैसे कि पाठ्यक्रम, विषय का चुनाव, भावी कारकिर्दी, असरकारक अध्ययन का अभाव, अध्ययन करना भी चाहे तो कैसे करें, पढ़ाई में अपनी रुचि कैसे बनाए रखें, परीक्षा में कैसे अपना प्रदर्शन करें, अच्छे गुण कैसे प्राप्त करें, कैसे सब कुछ याद रखें, जैसे अनेक उलझनों को छात्रों को अपनी शिक्षा के दौरान महसूस करते हैं। कई छात्रों को अपने परिवार के साथ कई समस्या रहती है, कौटुंबिक समस्या रहती है, नीची इनकम, उसके अलावा कई छात्रों को अपने शिक्षक, अपने सहाध्यायी साथ अनबन रहती है, जातीय उलझने भी उसको महसूस होती है। ये बच्चे ऐसे हैं जो 15 साल से ऊपर के बच्चे होते हैं, ये 12वीं कक्षा के। आवेगात्मक समस्या उसको भी रहती है, अपने भावी नौकरी कैसे करेंगे, धंधा रोजगार की समस्या रहती है, इत्यादि कई समस्याओं छात्रों को सताती रहती है। और यही समस्याओं छात्रों को अपनी पढ़ाई और उनके भावी करियर पर असर करती है। कई छात्र हमने अखबार में पढ़े हैं कि वो डिप्रेशन में चले गए हैं, गुमसुम हो गए हैं, किसी के साथ बातचीत नहीं करते हैं। यही कई उलझनों के साथ छात्रों को एक सलाह मशवरे की जरूरत होती है, सही दिशा में हमें उसको मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, जिसे हम एक शब्द में कहे तो नीड ऑफ कैरियर काउंसलिंग, ये हम एक शॉर्ट शब्द में कह सकते हैं। ये जब हम पढ़ाते हैं स्कूल में तभी हमें बच्चों को ऐसी समस्या का सामना करते हुए हमने देखा है। इसलिए मैंने जब IITE जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन गांधीनगर में है, ये इंस्टीट्यूट है जिसमें गाइडेंस एंड काउंसिलिंग का 1 साल का डिप्लोमा का कोर्स मैंने ज्वाइन किया था, उसमें हमें इसके बारे में काफी कुछ पढ़ाया गया था। उसके दौरान मैंने गाइडेंस और सलाह के बारे में काफी कुछ पढ़ा था। एक ट्रेनिंग के दौरान हमको एक समस्या के बारे में कार्यक्रम कैसे बनाते हैं, छात्रों को पढ़ाए जा रही जो समस्या है वो स्कूल में किस तरह से पढ़ाई जानी चाहिए, कैसे उसको मार्गदर्शन कार्यक्रम बनाने चाहिए, उसके बारे में एक ट्रेनिंग दी गई थी। 10वीं कक्षा और 12वीं कक्षा का परिणाम जब मैं स्कूल में प्रिंसिपल हूँ तो उसमें भी मैंने महसूस किया है कि मेरी स्कूल में सेल्फ फाइनेंस स्कूलों से मेरे स्कूल का परिणाम थोड़ा सा कम रहा है। इन सभी समस्याओं को सुलझाने के मुझे मार्गदर्शन कार्यक्रम बनाना चाहिए, ऐसा मैंने सोचा।
इसलिए दरबार गोपालदास महाविद्यालय जो अलियाबाड़ा में बीएड कॉलेज है उसके प्रोफेसर है दीप्तिबेन माकड़, उससे मैंने बातचीत की। फिर उसके साथ एमजे पुरोहित सर जो कि जामनगर में थे, अभी तो वो चले गए हैं, वो भी विशेषज्ञ थे, उससे भी मैंने बातचीत की। तो मुझे उसने बताया कि आप एक प्रयोग कीजिए और उसको संशोधन करके बताइए कि उसका क्या परिणाम निकलता है। तो फिर मैंने सोचा कि हम सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी राजकोट में मैं पीएचडी का रजिस्ट्रेशन करवाऊँ इस विषय पे। फिर जब मैंने ये रजिस्ट्रेशन करवाया तब एमएम सा कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शांतिलाल भोरणिया थे, वो मेरे मार्गदर्शक रहे। इसलिए मैंने ये विषय पे पीएचडी करने का सोचा। जब पीएचडी करने का सोचा तो मैंने मेरे सब्जेक्ट का टाइटल इस तरह से रखा था, वाकानेर तालुका के सामान्य प्रवाह के 12वीं कक्षा के छात्रों की साल भर के शैक्षणिक सिद्धि पर मार्गदर्शक कार्यक्रम की असरकारकता, ये मेरा विषय रहा है। इस विषय का अध्ययन का उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य यह है, पहला ये मेन उद्देश्य मैं आपको बताऊंगी। उसमें पहला उद्देश्य यह रहा था कि वाकानेर तालुका के जो सामान्य प्रवाह के 12वीं कक्षा के जो छात्र हैं उनके लिए एक मार्गदर्शन कैरियर मार्गदर्शन कार्यक्रम बनाया जाए। दूसरा ये अध्ययन का उद्देश्य यह था कि कैरियर मार्गदर्शन के उपकरणों को और तकनीकों को परिभाषित करना चाहिए। तीसरा उद्देश्य यह था कि नियंत्रित जूथ और प्रायोगिक जूथ दो समूहों में बच्चे को बांटा जाए, फिर शैक्षणिक कारकिर्दी और उपलब्धियों का अध्ययन कराया जाए। चौथा ये अध्ययन का उद्देश्य यह था कि लड़का और लड़की दोनों छात्रों की उपलब्धियों में क्या अंतर है, उसका भी एक अध्ययन करना चाहिए। पांचवा उद्देश्य यह था शैक्षणिक उपलब्धियों पर मार्गदर्शन कार्यक्रम की प्रभावशीलता का अध्ययन करना। इन्हीं मेन उद्देश्य के साथ मैंने अपना इस विषय का जो रिसर्च है वो करना शुरू किया था। उसका महत्व यह था कि यह अध्ययन सामान्य प्रवाह के 12वीं कक्षा के छात्रों, उसके माता पिता, स्कूल के टीचर्स और प्रधान आचार्य के लिए एक दिशा निर्देश होगा। दूसरा, यह अध्ययन कैरियर मार्गदर्शन कार्यक्रम के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों और तकनीकों को व्यवहारिकता को समझने में मदद करेगा। समान परिणाम प्राप्त करने के लिए समान मार्गदर्शन कार्यक्रम को अन्य शैक्षणिक विषयों में दोहराया जा सकता है। यह शोध यह सुनिश्चित कर सकता है कि मार्गदर्शन कार्यक्रम से गुजरने के बाद छात्र कितने अपनी कक्षा में और अपनी कारकिर्दी बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। जब इसका ये महत्व रहा तभी ये सब ये अध्ययन की कुछ सीमाएं तय की गई थी। तो उसकी सीमाएं इस तरह की थी। पहली सीमा ये थी कि यह प्रयोग वाकानेर तालुका के श्री MHJSS म्यूनिसिपल गर्ल्स हाई स्कूल और श्री अमर सिंह जी हाई स्कूल जो दो स्कूल है उसके दौरान किया गया था। यह प्रयोग साल के 2015 और 16 के शैक्षणिक वर्ष में पढ़ाई करने वाले उच्च माध्यमिक सामान्य प्रवाह के 12वीं कक्षा के गुजराती माध्यम के छात्रों पर किया गया है। अब इस अध्ययन की योजना के बारे में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले स्कूल और छात्रों की हमने स्कूल में जाकर सामान्य जानकारी ली, जैसे कि उसके सब्जेक्ट क्या है, उसकी रुचि क्या है, उसका एड्रेस क्या है, वो कहाँ से आ रहे हैं, इसके बारे में हमने जानने की कोशिश की। फिर जो JHSA रचित बुद्धि कसौटी इन छात्रों पे ली गई ताकि हमें पता चल पाए कि उनकी सरेराश IQ क्या है। वो IQ से हमने छात्रों को समान जूथ में विभाजित करने के लिए ये IQ टेस्ट रखी थी।
फिर यह दो समूहों को समान जुथ में विभाजित करने के लिए 100 मार्क की ऑब्जेक्टिव प्री टेस्ट ली, जिससे हमें समान जूथ में उसको विभाजित करने में मदद मिल सके, सभी जूथ एक एक जैसे बन सके, इसलिए हमने ये प्री टेस्ट का आयोजन किया था। फिर दो ग्रुप बनाए जिसमें एक नियंत्रित जूथ रखा था और दूसरा प्रायोगिक जूथ रखा था। नियंत्रित जूथ के जो छात्र है वो स्कूल में जिस तरह से टीचर्स पढ़ाते हैं उसके पास वो लोग पढ़ रहे थे, और जिसको हमने प्रायोगिक जूथ में रखा था उन लोगों को हमने मार्गदर्शन कार्यक्रम में शामिल किया था। अभी मैं आपको सैंपल के बारे में बताऊंगी। जो ये अमर सिंह जी हाई स्कूल है वो को एजुकेशन का स्कूल है जिसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों पढ़ते हैं। वहीं से हमने 80 बॉयज है उसको चुना था। फिर जो म्यूनिसिपल गर्ल्स हाई स्कूल है उसमें सिर्फ गर्ल्स ही है, उसमें से हमने ऐसी लड़कियों को चुना था। इस तरह से हमने हमारा सैंपल तय किया, फिर उसका रिसर्च प्लान बनाया। दो स्कूलों को हमने स्कूल नंबर 1 और स्कूल नंबर 2 ऐसे दो ग्रुप में डिवाइड करने के लिए बनाया। पहला जो स्कूल है वो श्री अमर सिंह जी गर्ल्स हाई स्कूल रखा था, और जो दूसरा है वो श्री MHJSS म्यूनिसिपल गर्ल्स हाई स्कूल रखा था। अमर सिंह जी गर्ल्स हाई स्कूल के दो ग्रुप हमने बनाए जिसमें 40 छात्रों को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में लिया और 40 छात्रों को हमने कंट्रोल ग्रुप में लिया। जो गर्ल्स हाई स्कूल थी उसमें भी हमने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में 40 लड़कियों को लिया, और जो कंट्रोल ग्रुप थी उसमें हमने 40 लड़कियों को लिया। इस तरह से हमने रिसर्च प्लान बनाने के लिए एक ग्राफ बनाया। जैसे यहाँ पर आपको PPT में दिख रहा है, पहले हमने जो IQ टेस्ट लिया था, JHSR रचित IQ टेस्ट थी, ताकि हमें पता चले कि उसकी सरेराश IQ क्या है। इसके दौरान हमने प्री टेस्ट से दोनों ग्रुप को समान बनाने के लिए प्री टेस्ट लिया था, ताकि हम एक जैसे ग्रुप बना सके, कोई स्टूडेंट उसमें तेज ना हो पढ़ाई में, कोई वीक ना हो, सरेराश IQ वाले स्टूडेंट को हमने दो ग्रुप में बांटा था। फिर दूसरा जो है वो हमने पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप, उसमें हमने जो नियंत्रित ग्रुप था उसको जो स्कूल में टीचर्स पढ़ाते थे उसके साथ में रखा, और जो दूसरा ग्रुप था जिसमें हमने टीचिंग के साथ जो कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम बनाया था उसमें हमने उस बच्चों को शामिल किया। फिर उसकी पोस्ट टेस्ट ली गई कि अगर ये मार्गदर्शन कार्यक्रम जो हमने उसको दिया है उसका हमको क्या रिजल्ट मिला। फिर वो पोस्ट टेस्ट के बाद हमें फिर भी लगा कि नहीं, हम टेस्ट बनाते हैं और उसका रिजल्ट तय करते, ऐसा नहीं हो सकता। अब बोर्ड का जो बच्चों ने जो एग्जाम दिए है उसका रिजल्ट क्या आया, उसके साथ हमने ये रिजल्ट की तुलना की, और इस हिसाब से हमने ये हमारा अध्ययन का जो प्लान है वो बनाया। उसके बाद हमने जो मार्गदर्शन कार्यक्रम बनाया था उसके बारे में मैं थोड़ा आपको हाईलाइट करूंगी। जो गाइडेंस प्रोग्राम था उसको हमने 30 सेशन में लिया था और 40 मिनट का उसका टाइम रखा था। उसमें 16 जो सेशन थे वो हमने सामान्य जनरल तास लिए थे, और जो 14 तास थे वो हमने सब्जेक्ट के ऊपर लिए थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि 50% हमने जो गाइडेंस दिया था उसको वो सब्जेक्ट रिलेटेड दिया था, और जो 50% गाइडेंस था वो हमने कैरियर के बारे में उसको मार्गदर्शन दिया था। इस तरह से हमने अपना मार्गदर्शन कार्यक्रम को निश्चित किया था। फिर जो मार्गदर्शन कार्यक्रम 30 जो हमने लेने का सोचा था उसका हमने डिजाइन किया था, और वो डिजाइन में जो पहला और दूसरा जो तास था वो बच्चे का वो हमने खुद लिया था, और उसमें हमने ये बच्चों को बताया कि ये गाइडेंस प्रोग्राम क्या है और आपको क्या करना है,
वो सब हमने ये पहला और दूसरे जो तास है उसमें बच्चे को मार्गदर्शन दिया। जैसे कि कई बच्चे ऐसे होते हैं कि कुछ परेशानी की वजह से वो कभी कभी स्कूल में नहीं आते हैं, कभी पीरियड छोड़ देते हैं, ऐसा करते हैं। तो हमने इस दो तास में बच्चे को ये बताया था कि आपको ये पूरे मार्गदर्शन कार्यक्रम में आपको हाजिर रहना है, कभी ये तास छोड़ने का नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो पहले से उसका सॉल्यूशन किया जा सके। ऐसा करके हमने दो तास बच्चों का ये 40 मिनट का लिया था। हमारा जो तीसरा तास था वो करियर विशेषज्ञ के साथ हमने ये रखा था और उसको ये बताया स्टूडेंट में उसने विशेषज्ञ ने कि ये जो 12वीं कक्षा है उसके बाद कौन कौन से विकल्प आपके सामने उपस्थित है, ये सभी के बारे में विशेषज्ञ ने बताया। फिर जो चौथा और पांचवा तास था उसमें हमने मनोचिकित्सक को बुलाया था और कभी कई स्टूडेंट ऐसे बता रहे थे कि हमको पढ़ाई के दौरान कुछ याद नहीं रहता है, हम जब पढ़ते हैं तो हम पता नहीं चलता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, ऐसी कई समस्या स्टूडेंट की हमारे सामने आई थी। तो विशेषज्ञ को हमने मनोचिकित्सक को बुलाया और उसके साथ हमने बातचीत की और फिर उसने चौथा और पांचवा जो तास है 40 मिनट का वो लिया और उसमें उसने ये बताया कि कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है, कैसे समीक्षा करनी है और जब हम पढ़ते हैं तो हमको अपनी कंसंट्रेशन कैसे बनाने की है, इसके बारे में चौथा और पांचवा सेशन में उसने लिया। और जो छठा तास था इसके बाद वो करियर विशेषज्ञ के साथ हमने बैठ के ये लिया था, उसको डिजाइन करके दिया था कि 12वीं कक्षा के बाद कौन कौन से करियर चुन सकते हैं स्टूडेंट। जैसे कि कोई स्टूडेंट है वो बीकॉम करना चाहता है, कोई बीए करना चाहता है, कोई बीबीए करना चाहता है, कोई बीसीए करना चाहता है। कई स्टूडेंट ने ऐसे बताया कि हमको बीकॉम के बाद सीए करना है, कोई स्टूडेंट ने यह बताया कि हमको टीचर बनना है, कई स्टूडेंट ऐसे भी निकले कि वो ऐसे बोल रहे थे कि हम बीए रख के कॉम्पिटिटिव एग्जाम को हमको कंडक्ट करना है। इसके बाद हमने ये छठा तास जो रखा था उसके बाद करियर विशेषज्ञ के साथ एक्सपर्ट के साथ लक्ष्य निर्धारण करने के लिए दूसरा सातवा और आठवा दोनों तास है वो रखे थे। उसके बाद हमने शैक्षणिक योजना, जैसे स्टूडेंट बनाते हैं कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमें कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, अपनी दैनिक क्रियाओं को किस तरह से बनाने का है, वो शैक्षणिक योजना और अपना निर्धारित शेड्यूल, ये दोनों के लिए हमने नौवां और दसवां तास उसका रखा था ताकि बच्चे सुनिश्चित हो जाए कि हमको इसी टाइम टेबल के दौरान हमको अपनी पढ़ाई करनी है। फिर जो 11वीं से 25वें तास तक उसको 7 सब्जेक्ट रहते हैं 12वीं कक्षा में, वो सातों सब्जेक्ट को जो विशेषज्ञ है उसको हमने डिजाइन करके दिया था और उन लोगों ने वो सभी विषयों का 2 पीरियड रख के इस तरह से 14 सेशन को हमने उसको मार्गदर्शन कार्यक्रम में रखा था ताकि जो सब्जेक्ट टीचर्स है वो अपने सब्जेक्ट के हिसाब से कौन से चैप्टर में से उसको पढ़ना है, कौन से चैप्टर को ज्यादा वेटेज देने का है, फिर बच्चे परीक्षा में कौन से विभाग को, 5 विभाग में उसकी एग्जाम होती है, ए बी सी डी ए ई इस तरह से रहती है। ए विभाग जो है उसका ऑब्जेक्टिव रहता है, कोई है वो निबंधात्मक रहता है, तो कौन से प्रश्न को पहले रखा जाए, फिर एग्जाम में कौन से विभाग में उसको कितना टाइम देने का है, वो सभी के बारे में सभी विषय शिक्षक ने उसको मार्गदर्शन दिया। इस तरह से 11वीं से लेकर 25वां जो हमारा तास था 40 मिनट का
उसमें सभी विषय टीचर ने उसको मार्गदर्शन दिया। फिर 26वां जो टास्क था वो परीक्षा का सामना कैसे करें। कई छात्र ऐसे होते हैं परीक्षा के नाम से डरने लगते हैं। छात्र की जब परीक्षा आती है तो वो खाना पीना छोड़ देते हैं। कई छात्र उदास हो जाते हैं। हमें कई बार अखबार में पढ़ा है कि छात्र परीक्षा के डर से आत्महत्या कर लेते हैं। इसके बारे में छात्र को जानकारी देने के लिए, परीक्षा का डर दूर करने के लिए कैरियर विशेषज्ञ से मार्गदर्शन दिया गया कि कैसे परीक्षा का सामना करना चाहिए। 27वां जो टास्क था हमारा, उसमें पेपर कैसे लिखे। जब परीक्षा होती है तब वो बच्चे कहीं वो होल टिकट भूल जाते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो लेट पहुंच जाते हैं, कई बच्चे टेंशन में जल्दी पहुंच जाते हैं सेंटर पे। ऐसी कई समस्या परीक्षा के दौरान बच्चों को होती है। इसके बारे में हमने 27वें टास्क में, जो आजकल परीक्षा के सेंटर में जाने से पहले हमें कैसी हड़वी एक्सरसाइज करनी चाहिए, फिर परीक्षा के दौरान हमें कितने समय में पहुंचना है, जाते समय हमें क्या क्या तैयारी करके जाने क्या है, फिर अभी परीक्षा जो चल रही वो सीसीटीवी कैमरा के सामने रखी जाती है, तो जब सीसीटीवी कैमरा होता है तो बच्चों को परीक्षा में पता नहीं चलता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, तब उसमें परीक्षा में कैसे प्रस्तुत करना है अपने आप को, साथ में हमारा परीक्षा का पेपर ओवरऑल उसका लुक कैसा होना चाहिए, इन सभी चीजों के बारे में विशेषज्ञता की सहायता से हमने उसको मार्गदर्शन दिया। फिर 28वां जो टास्क था उसमें हमने परीक्षा के पहले पुनः वाचन कैसे करना है, उसका टुकशार कैसे बनाने का है, रिव्यू कैसे बनाने का है, प्रेजेंटेशन इत्यादि के बारे में विशेषज्ञता की सहायता से हमने मार्गदर्शन दिया। 19वें टास्क में जो जूथ चार के जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें एक विषय जो है वो छात्रों को प्रैक्टिकल का आता है, जिसमें थियरी का जो पेपर है वो बोर्ड लेता है और जो प्रैक्टिकल का जो सब्जेक्ट है वो स्कूल लेती है। तो हमें किस तरह से प्रैक्टिकल में अपने आप को प्रस्तुत करना है और थियरी का जो पेपर है उसमें हमें कैसे प्रस्तुत करना है, उसके बारे में गाइडेंस दिया गया। 30वां जो टास्क था वो कैरियर प्रेरक वक्ता की सहायता से छात्रों को परीक्षा में कैसे एक उत्सव बनाए, कैसे परीक्षा को एक त्योहार की तरह मनाए, ऐसा एक आखिरी टास्क छात्रों को प्रेरित करने के लिए रखा गया था। इस तरह से 30 टास्कों का हमने मार्गदर्शन कार्यक्रम बनाया और एक्सपर्ट की सहायता से हमने ये बच्चों को दिया। इसके बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कार्यक्रम के बाद जो हमने पोस्ट टेस्ट ली उसमें हमने नियंत्रित ग्रुप के बच्चे और प्रायोगिक जूथ के बच्चे दोनों को हमने इसमें पोस्ट टेस्ट में सम्मिलित किया। फिर उसकी जो रिजल्ट आया पोस्ट टेस्ट का उसको हमने एक डेटा सीट में डाला। फिर बोर्ड की जब एग्जाम आई तो बोर्ड की एग्जाम का जो रिजल्ट आया उसका भी हमने नियंत्रित जूथ और प्रायोगिक जूथ दोनों का बोर्ड का रिजल्ट हमें क्या मिला उसका भी हमने एनालिसिस किया और फिर तारण निकाला और हमें ये पता चला कि जो लड़के और लड़कियां दोनों को जो मार्गदर्शन दिया था उसका हमको परिणाम क्या मिला। तो ये हमको उसका परिणाम मिला कि जब लड़के और लड़कियां जिसको हमने मार्गदर्शन दिया था उसकी जो शैक्षणिक सिद्धि थी वो नियंत्रित ग्रुप से ज्यादा मिली, यानी कि ऊंची मिली, उसका परिणाम हमको ऊंचा मिला। और जो लड़के थे उसको जो हमने मार्गदर्शन कार्यक्रम दिया था उसका भी नियंत्रित ग्रुप से हमको शैक्षणिक सिद्धि और उसका परिणाम है वो हमको ऊंचा मिला था। ये हम निष्कर्ष पर आए। यह अध्ययन से हम ये सारांश कह सकते हैं
कि पारंपरिक शिक्षण की जो प्रथा हमारे स्कूल में आजकल चल रही है उसके साथ अगर छात्रों को कैरियर मार्गदर्शन देने से उसका परिणाम हम बेहतर बना सकते हैं, उसकी शैक्षणिक सिद्धियां हम बेहतर बना सकते हैं। साथ में ये जो 20 घंटे का वार्षिक संरचित कैरियर मार्गदर्शन कार्यक्रम यदि हम रखें तो उसकी जो महत्वपूर्ण बोर्ड की जो एग्जाम है उसका परिणाम हम बढ़ा सकते हैं, ये हम इसके ऊपर से हमने महसूस किया। इसके अलावा हम ये सारांश से ये कह सकते हैं कि जब हम ऐसे भविष्य में ऐसा ही अध्ययन हम यदि हमारे अन्य राज्य, जिला, शहर और गांव में कर सकते हैं, अन्य प्रवाह माध्यम है जैसे कि छात्रों के विज्ञान प्रवाह के जो छात्र हैं वो काफी कंफ्यूज रहते हैं, ए ग्रुप के बाद किस में जाए, क्या करें, बी ग्रुप के बाद हम क्या क्या करें, कैसे जाएं, अगर नीट में मार्क्स कम आते हैं तो हम आगे जाके कौन से सब्जेक्ट पसंद करें, इसको लेकर काफी कंफ्यूज होते हैं। तो अगर हम इन्हीं छात्रों के ऊपर ऐसा ही प्रयोग करेंगे, ऐसा ही मार्गदर्शन कार्यक्रम उसको देंगे तो वो अपनी दिशा निश्चित कर सकते हैं। यह अध्ययन हमने उच्च माध्यमिक के छात्रों के लिए किया था। इस तरह अगर हम माध्यमिक, प्राथमिक, कॉलेज, आईटीआई के छात्रों के लिए भी कर सकते हैं। इस तरह से हमारा ये जो पीएचडी का जो अध्ययन था वो रहा है। एक बात मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगी कि जब बोर्ड का रिजल्ट आया तो जिन बच्चों को हमने मार्गदर्शन कार्यक्रम दिया था उस बच्चे ने हमें आकर ये बताया कि मैडम ये जो हमें मार्गदर्शन कार्यक्रम दिया है उसके बारे में हम हमारे भाई बहनों को भी बताएंगे कि कैसे पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, वो जो हमें मार्गदर्शन मिला वो हम हमारे भाई बहनों को भी देंगे, हमारे सहाध्यायी जो पढ़ते होंगे उसको भी हम देंगे, ताकि हमारी जो कारकिर्दी हम बना सकते हैं वैसे वो लोग भी पढ़ाई करके अपनी कारकिर्दी बना सकेंगे। इससे बच्चे का जो आत्मविश्वास बढ़ा है उसके बारे में उन लोगों ने हमें बताया। और मैं मानती हूँ कि ये कार्यक्रम जो मैंने बनाया था प्रायोगिक कार्यक्रम उससे काफी मदद हमारे कुटुंब को, हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र को आगे ले जाने में ये अध्ययन एक मार्गदर्शक बना रहेगा, यही मैं सोचती हूँ और यही मेरा मानना है। और नीरव भाई का मैं खूब खूब धन्यवाद करना चाहूंगी कि इतने दिनों के बाद मुझे ये रिसर्च के बारे में फिर से जगाया और फिर से ये रिसर्च के बारे में मैं सबको बता पाई। धन्यवाद। थैंक यू गीता बहन। जो मैं पूरा समझता हूँ, जो पूरा इसको कंक्लूड करना अगर चाहूं तो दो चीज मैं समझ रहा हूँ। नंबर एक के जो नॉर्मल जो आपका जो प्रयोग था, जो आपका एक्सपेरिमेंट था, उसमें आपने इक्वल ग्रुप में डिवाइड किया दो बच्चों को और ऐसा ग्रुप बनाया कि जो जिनकी ओवरऑल आईक्यू लेवल सेम थी, दैट इज अ पॉइंट वन। सेकंड जो आपका प्रोसेस था जो मैं समझ रहा हूँ वो बता रहा हूँ। जो आपने फिर उनको एक जो ग्रुप था कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंट ग्रुप, जो कंट्रोल ग्रुप जो टीचर जैसे पढ़ाते थे ऐसे पढ़ाते गए और जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था उनको आपने विशेष 20 घंटे का 20 आवर्स 30 लेक्चर्स ऑन ईच लेक्चर ऑफ 40 मिनट्स ऐसा एक एक्सपर्ट, अलग अलग एक्सपर्ट से आपने एक्सपोजर दिया जो आपने काफी अच्छी तरह से डिजाइन किया हुआ है जो पूरा करियर काउंसलिंग प्रोग्राम। तो जो अंत में जो रिजल्ट मिला वो ऐसा मिला कि जस्ट विद द एक्सपोजर ऑफ 20 आवर्स इन द ईयर, 20 घंटे का जो ये एक्सपोजर एक्सपर्ट से मिला करियर काउंसलिंग के लिए मिला, तो इससे आपका जो बच्चे जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के थे उनका रिजल्ट है वो कंपैरेटिवली उन बच्चों से काफी अच्छा आया। सो फॉर मी टेक अवे इज कि अगर अभी कोई भी मेरी स्कूल है या मैं शिक्षक हूं
तो मैं ऐसे 20 घंटे का प्रोग्राम अगर रखूं तो उससे मेरे जो स्टूडेंट्स है मेरे पास जो आ रहे हैं वो सभी स्टूडेंट्स का मैं एकेडमिक अचीवमेंट जो शैक्षणिक सिद्धि बोलते हैं तो उसको मैं अपग्रेड कर सकता हूँ, उसको बढ़ा सकता हूँ। इट इज अ काइंड ऑफ मोटिवेशन फॉर देम। ये जो काफी आपने जो प्रोसेस बताया है गोल सेटिंग वाला, करियर चॉइसेस वाला, और हर एक सब्जेक्ट वाइज एक एक शिक्षक एक्सपर्ट जो है वो अपने बच्चों को पूरे सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं, तो उस तरह से अगर करें तो बच्चे का एकेडमिक अचीवमेंट ओवरऑल बढ़ सकता है, अच्छा आ सकता है। सो दैट इज द टेक अवे फॉर मी। और इसको रेप्लीकेबल सभी जगह कर सकते हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं है। 20 घंटे का इतना एक्सपोजर है दैट कैन इम्प्रूव देयर रिजल्ट। मेरे ख्याल से ये काफी हम जानते हैं, लेकिन आपने जो एक्सपेरिमेंट किया है तो एक एक तरह से इसको एंडोर्स करता है कि दिस इज अ करियर काउंसलिंग प्रोग्राम इज अ वेरी हेल्पफुल एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स। सो आई थिंक थैंक यू वेरी मच गीताबेन, एंड ओवर टू प्रांजल भाई, ओवर टू कृपा दीदी। Yeah, thank you very much Geetaben for this wonderful research. और आपने जो step वाइज session wise planning बताया जिसकी वजह से definitely बच्चों को बहुत सारा फायदा हुआ होगा। Forum is also open for the question, अगर किसी को question पूछने हैं Geetaben से तो आप जरूर पूछ सकते हो। Geetaben मेरे भी 2-3 सवाल है, पहले मैं बाकी लोगों को मौका देना चाहूंगा। ठीक है कोई बात नहीं, फोरम इज ओपन फॉर द क्वेश्चन, अगर किसी को कोई सवाल पूछने हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। तब तक पहला सवाल मैं गीताबेन आपको ये पूछना चाहूंगा कि ये आपने रिसर्च कंप्लीट करने के बाद अभी भी ये इस तरह का आपने चालू रखा है या कई कई स्कूल ने रिप्लीकेट वगैरह किया है? नहीं, मैं हर बार हर साल ये स्कूल में रखती हूँ। मेरी अच्छा। स्कूल में जो प्रोग्राम में रखती हूँ वही मैं अमर सिंह जी स्कूल में भी रखती हूँ, हर साल चालू रखा है। वाह। और अभी जो पहले जो मेरा रिजल्ट आता था ये कार्यक्रम के पहले स्कूल का, वो अभी काफी हुआ है। और 12वीं कक्षा का जो अभी रिजल्ट मेरा स्कूल का इस साल का जो आया है वो 98% आया है। ओ, वाह। जो रिजल्ट मेरा कक्षा में रहता था 50-60 में, वो ये मार्गदर्शन के बाद अभी मुझे 98% तक मैं ले जा सकती हूँ। उसका इतना अच्छा रिजल्ट मिला है क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में हम जब उसको गाइडेंस देते हैं और जब उसके साथ कैरियर उसका जॉइंट होता है तो बच्चे उसकी दिशा में फोकस करने लग जाते हैं और उस हिसाब से वो पढ़ना शुरू कर देते, तो ये काफी बेनिफिट रहता है। वाह, बहुत ही बढ़िया। और दूसरा, मैं जब वो देख रहा था ना 30 सेशंस का आपने जो प्लानिंग बेसिकली किया था ना कि कैसे एक 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 करके अगले अगले पायदान पे आप लेके गए, सब्जेक्ट एक्सपर्ट को भी बुलाया, साइकेट्रिस्ट को भी बुलाया, फिर एग्जामिनेशन कैसे फेस करे वो भी बताया, सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी उनको गाइडेंस दिया, तो ये शेड्यूल जब बच्चे जो 12वीं पास होने के बाद 12th स्टैंडर्ड पास होने के बाद जब ये बच्चे सारा प्रोसेस ये सारा सेशन देखेंगे ना तो शायद उनको आगे के एग्जामिनेशन के लिए भी इसका फायदा होगा कि अगर किसी भी एग्जामिनेशन आपको फेस करनी है या कोई भी से एग्जामिनेशन के बाद किसी कंपनी में जॉब करना है तो आप ऐसे लॉजिकली अगर डिवाइड करते करते गए स्टेप्स में टोटल प्लानिंग तैयार करते हुए तो वहां पर भी शायद ये आपके रिसर्च का फायदा हो सकता है। जब मैं देख रहा था तो मुझे वो एंगल से भी लगा। या एनी सही बात है फ्रॉम द फोरम। या अमित जी प्लीज। एक्चुअली वेरी बहुत ही नॉलेजेबल था ये आज का सेशन। थैंक यू सो मच गीता मैम एंड प्रांजल जी आपको भी। क्या ये जो यस मैम ये जो हमने अभी जैसा किया 12th के ऑनवर्ड्स आपने रखा था, क्या यही हम फॉर्मूला हम लोग प्राइमरी लेवल्स पे जैसे 6th-5th के बाद जो हमको गुरुजी ने बताया था या अभी जो रिसेंटली एक टीचर ने हमको बताया था कि वर्नाकुलर एजुकेशन चालू होने वाला है, लाइक गुजरात में ऑलरेडी चालू कर चुके हैं हम लोग, तो उसी आधार को देखते हुए उन बच्चों को पहले से अगर हम वैसे चालू कर सके इस प्रोसेस में। अभी जो राष्ट्रीय शिक्षण नीति अभी जो शुरू हुई है 2020 में, जो राष्ट्रीय शिक्षण नीति जो अभी शुरू हुई है उसमें 5th, 6th, 8th
और नाइन्थ से ट्वेल्थ तक के बच्चों को अभी वोकेशनल एजुकेशन इसी बेस पर दिया जा रहा है जो अभी शुरू हुआ है। वैसे तो विदेश में तो 1925 से ये वोकेशनल एजुकेशन कोर्स जो है वो शुरू हो गया है सभी विदेश में, हमारे देश में है हम लोग पीछे है। अभी जो 2020 का जो ये राष्ट्रीय शिक्षण नीति आया है उसमें ये शुरू हो गया है इस साल से, और अगले ये 2021 का जो रिजल्ट आया 2021 का जो रिजल्ट आया है उसमें वोकेशनल एजुकेशन का पहला 10वीं का रिजल्ट है वो मिला है हमको। ये महाराष्ट्र में भी चालू हो जाएगा ना एसएससी? सॉरी, महाराष्ट्र में भी ये चालू होने वाला है क्या एसएससी प्रोसेस? महाराष्ट्र में राष्ट्रीय शिक्षण नीति है तो सभी राज्यों में लागू होगी ना, सभी राज्यों में ये वोकेशनल एजुकेशन शुरू हो गया है। आई थिंक अमित जी का ये क्वेश्चन, मतलब आई वुड लाइक टू रिप्लाई बिकॉज आई एम एसोसिएटेड विद न्यू एजुकेशन पॉलिसी, आई एम फ्यू लाइक मेंबर ऑफ फ्यू कमिटी ऑल्सो। सो एक्चुअली एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन इज अ स्टेट सब्जेक्ट, और फर्स्ट इज इट इज अ स्टेट सब्जेक्ट, सेकेंड दिस पॉलिसी इज एज ऑफ नाउ इट इज नॉट एन एक्ट। जो राइट टू एजुकेशन है वो एक्ट है, ये पॉलिसी है वो एक्ट नहीं है। सो दिस इज अ गाइडिंग पॉलिसी, सो इट डिपेंड्स अपॉन स्टेट टू स्टेट। सपोज तमिलनाडु स्टेट है तो दे हैव आउटराइटली दे हैव डिनाइड एंड रिजेक्टेड दिस पॉलिसी एंड दे सेट अप देयर ओन पॉलिसी एंड दे हैव सेट अप देयर लाइक दे हैव कॉल्ड देयर ओन एक्सपर्ट्स। सो इट डिपेंड्स अपॉन टू स्टेट के भाई ये पॉलिसी में तो वो, लेकिन ये थोड़ा हम डाइवर्ट हो रहे हैं। इट इज अबाउट द वोकेशनल प्रोग्राम अलोंग विद द इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ये जो बात है वो पूरी बात है वो करियर गाइडेंस प्रोग्राम की बात ही है जो हम जो बात कर रहे हैं। सो दीज टू आर द डिफरेंट थिंग, वन इज अ वोकेशनल एजुकेशन, अदर इज अ करियर गाइडेंस प्रोग्राम। बट दिस इज अ एज ऑफ व्हाट डू आई अंडरस्टैंड इज अ दिस प्रोग्राम इज अ वेरी थॉटफुल प्रोग्राम। द एंटायर जो 30 स्टेप्स जो बनाए हुए हैं वो काफी थॉटफुल है, और दैट कुड बी लाइक इफ वी कैन रेप्लीकेट दिस टू द ईच एंड एवरी स्कूल वी कैन डेफिनेटली इम्प्रूव द रिजल्ट ऑफ चाइल्ड। बिकॉज व्हेन चाइल्ड हैव अ लॉट ऑफ क्लैरिटी, बिकॉज व्हेन आई गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ क्लैरिटी ऑफ गोल्स, क्लैरिटी ऑफ शेड्यूलिंग, मेमोरी टेक्निक्स, एंड देन आई अंडरस्टैंड विद द सब्जेक्ट्स, लाइक सब्जेक्ट एक्सपर्ट विल गिव whole idea of the subjects, then they will also talk about their subject expert will tell something about your presentation of that particular paper and answers. So that will help you a lot getting good marks in examination. Hirubhai, isme ek aur bhi fayda hai, jab bacche koi bhi book padhte hai, कोई भी बुक पढ़ते हैं तो उसको ये जो मार्गदर्शन कार्यक्रम है वो पढ़ने में भी उसको मददगार रहता है। करेक्ट करेक्ट। गीता जी, और एक सवाल मेरा, बहुत सारे बच्चे हैं कि 10th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड दोनों के बाद वो कंफ्यूज रहते हैं कि एग्जैक्टली आगे का करियर का सिलेक्शन कैसे करें। वो बाकी दो साइंस स्ट्रीम चूज कर रहे हैं इसलिए साइंस के लिए जाते हैं, और काफी सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि जो कॉमर्स बाय एलिमिनेशन सिलेक्ट करते हैं कि साइंस जा नहीं सकते, उतना शायद आईक्यू लेवल नहीं है ऐसा उनको लगता है, आर्ट्स स्ट्रीम चूज करके फायदा नहीं है तो इसलिए कॉमर्स चले जाते हैं। तो मैं ये जानना चाहता था कि आपने ये जो सारा करियर गाइडेंस प्रोग्राम रन किया और सक्सेसफुली आप चला रहे हो, जिसमें आपने सेशन भी रखा कि करियर चॉइसेस आफ्टर 12th स्टैंडर्ड, तो क्या आपके ये रिसर्च के और ये एक्चुअल एक्सपेरिमेंट के अनुभव से ऐसा कुछ पता चला कि बच्चों में थोड़ा क्लैरिटी बढ़ गया है कि एग्जैक्टली वो क्या कर सकते हैं या क्या ऑप्शंस उनके सामने रह सकते हैं, इसमें भी ये प्रोग्राम मददगार हुआ? हाँ, काफी मददगार रहता है, क्योंकि जो बच्चे 10वीं में पढ़ते हैं उसको अगर हम बता सकते हैं 10वीं में के बाद कि ये 11वीं कक्षा में अगर आप कॉमर्स रखोगे तो आपको क्या क्या फील्ड मिल सकते हैं, जब आप साइंस रखोगे तो साइंस में भी दो ग्रुप है, ए ग्रुप और बी ग्रुप,
अगर ए ग्रुप रखोगे तो आप कौन कौन से फील्ड में जा सकते हो, बी ग्रुप रखते हो तो आप कौन से फील्ड में जा सकते हो। जब दसवीं कक्षा के बच्चों को ये गाइडेंस मिलता है तो जो दसवीं कक्षा में वो परफॉर्म करता है और फिर ग्यारहवीं कक्षा में वो जो सब्जेक्ट चुनना होता है उसको, वो उसको काफी मदद मिलता है, क्योंकि बच्चे को कुछ पता ही नहीं है कि हम क्या बन सकते हैं और हमको क्या बनना है, तो फिर वो कैसे जाएंगे। क्योंकि जो बच्चे हमारी स्कूल में पढ़ने आते हैं उसके जो पेरेंट्स है वो काफी लोअर लेवल के हैं, वो पूरे दिन मजूरी में जाते हैं, उसको कुछ पता नहीं रहता है कि उसके बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या उसकी चॉइस है, कैसे पढ़ रहे हैं, उसको कुछ पता नहीं है। वो अपनी खेती में होते हैं, कुछ मजूरी काम के लिए चले जाते हैं, तो पेरेंट्स से उसको कुछ उम्मीद नहीं मिलती है कि वो क्या फील्ड में जाना चाहता है बच्चे, वो कैसे उसको ट्रीट करें। तो उसको काफी ये प्रोग्राम से मदद मिलती है बच्चों को, टेंथ में भी और ट्वेल्थ में भी काफी अच्छा रहता है। थैंक यू, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? गीता जी, और एक थोड़ा सा, TSPPL के फोरम पे हम बात कर रहे हैं तो हमेशा हम बच्चों को बोलते हैं कि हमारी जो एंशियंट जो हमें सिखाया गया है सारा, घर में स्तोत्र मंत्र बोलना या फिर हम TSPPL के माध्यम से अग्निहोत्र करते हैं, और उसका भी बहुत अच्छा परिणाम एकेडमिक्स पे, बच्चों की पढ़ाई पर होता है, तो क्या क्या इसके बारे में भी कुछ आपने प्रयोग किए या इसके बारे में भी आप कुछ बता सकोगे? जैसे हम योग का सेशन करते हैं, ध्यान का सेशन करते हैं, तो बच्चों को जो माइंड है उसका वो काफी सेट होता है। जैसे हम पढ़ाई में भी एक टेक्निक का यूज करते हैं, इसमें भी मैंने एक सेशन में लिया था, मैं बताना भूल गई कि उसमें जब सब्जेक्ट टीचर है वो जब पढ़ते हैं कोई भी बुक, तो उसमें हम माइंड मैप की मदद से पढ़ाते हैं बच्चों को। जैसे हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें क्या कहना चाहते हैं, फिर क्या कहना चाहते हैं, फिर क्या कहना चाहते हैं, इस हिसाब से अगर हम उसको ध्यान है, योग है, उसकी उसके हिसाब से अगर हम उसको ले जाएं तो उसकी एकाग्रता काफी बढ़ सकती है, तो ये उसका बेनिफिट मिलता है उसको। ओके, थैंक यू, थैंक यू गीता जी। Yeah, I think Krupa is also there. Krupa? Yeah, Krupa ji, over to you. जय गुरुदेव कृपा, बहुत ही अच्छा सेशन रहा। गीता बहन ने उनका सारा रिसर्च हम सब लोगों के सामने रखा और उसमें 30 सेशंस उन्होंने ये करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत किस तरह से प्लानिंग किया था और किस तरह से उसके रिजल्ट्स आए, ये भी सारा उन्होंने किया। और नीरव भाई ने भी उसमें कुछ न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ एडिशनल पॉइंट्स एक्सप्लेन किए। सो नाउ ओवर टू यू, इफ देर आर एनी क्वेश्चंस आर अवेलेबल, अगर किसी को कोई और सवाल पूछने तो आप जरूर पूछ सकते हो। प्रांजल, हमने सुना उनका लेक्चर, तो बहुत अच्छा हमें भी मिला कि उन्होंने जो रिसर्च किया है, एंड स्टूडेंट्स आर रियली बेनिफिटेड जिस हिसाब से उन लोग, मतलब उन्होंने जो सेशंस कर रहे हैं, तो आई एम श्योर कि अगर ऐसे सारे स्कूल्स करें तो स्टूडेंट्स को काफी बेनिफिट होगा। हाँ, हम लोग भी जो करियर काउंसलिंग का सोच रहे हैं तो उसमें वी कैन टेक हेल्प ऑफ गीता बेन एज वेल। डेफिनेटली, थैंक यू। Okay, thank you, Gita. Wonderful session. Thank you very much once again on behalf of DSPPL, Nirav Bhai. Thank you, Gita Ben. Thank you very much. Thank you to all those who are present in today's session. हर 15 दिन बाद न्यू मून और फुल मून के तहत हम अलग अलग लोगों को, अलग अलग एक्सपर्ट को आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। हमारी यही प्रयास रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा एक्सपर्ट लोग ये फोरम पे आए और हमारे सब लोगों को मार्गदर्शन मिले और अच्छी चीजें हम कर सके। थैंक यू वेरी मच। सो विद द परमिशन ऑफ, थैंक यू। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।
ओके सो सर गुरुजी सर है अवेलेबल कृपा आई थिंक द सिग्नल इज लॉस्ट कृपा शायद नहीं ओके सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन थैंक यू गीता बहन थैंक यू नीरव भाई क्लोज द मीटिंग थैंक यू जय गुरुदेव जय गुरुदेव थैंक यू